सो हे गाइस वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में भाई हम बात करेंगे मेरी ट्राइपॉड वाली वीडियो के ऊपर, जिसने आपने बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करा मेरे इस वीडियो को। तो गाइस मतलब उसके लिए तो थैंक यू और धन्यवाद। पर गाइस कुछ ऐसे कमेंट आए जिसकी वजह से मुझे अभी ये वीडियो बनानी पड़ी गाइस, कि भाई पिन बाहर नहीं आ रही, ट्राइपॉड की जो पिन होती है वो बाहर नहीं आ रही है। तो गाइस इसके दो रीज़न है, तो आप कंप्लीटली वीडियो नहीं देखते और वीडियो को स्किप कर देते हैं। इस कारण गाइस वो जो पिन का मैंने आपको ढंग से मैंने हथेली पर रख के दिखाया था भाई कैसी पिन का शेप है, तो गाइस आपने वो वीडियो ढंग से देखी ही नहीं है, असली बात ये गाइस। पर कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पर गाइस वीडियो कंप्लीट देखा करो, अभी से आपको कोई बेनिफिट तो आने, आप दोबारा वीडियो देखोगे तो गाइस आपका टाइम वेस्ट होना, तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखा करो गाइस, जिससे कि फुल नॉलेज मिले। तो गाइस अब घबराने की बात तो है नहीं, पर मैं आपको बता दूंगा कैसे ट्राइपॉड की जो पिन है उसे बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। तो अभी सीधा मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस अभी आप सामने ट्राइपॉड देख रहे हैं ना गाइस, ये लोग है। और गाइस इस पार्ट को प्लीज स्किप मत करना, कैसे आप देख पा रहे हैं, आप ध्यान देखो, एक तरफ मोटा साइज है और गाइस एक तरफ पतला पिन का साइज है। तो गाइस जो एक जो मोटे वाले साइड की जो जगह है गाइस, जब आप उसको अंदर से पुश करोगे तो फंस जाएगा। तो अपन को वहां से इसको पुश नहीं करना है गाइस, यहाँ से आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है इसको। आप ये पतली वाली साइड जब देख रहे हो वहां से इसको पुश करना है, जो पतले वाले साइड है उसको वहां से पुश करना बता देता हूँ आप, और ये ध्यान रखना आपका हाथ में ना लग जाए। तो आप देखिए एकदम नॉर्मली सी बाहर आ गई पिन। अब देख गाइस आपको ढंग से एक बार देखिए पिन गाइस पीछे से थोड़ा पिन का तो साइज पीछे से मोटा है, हल्का साइज गाइस आप भी देख पा रहे होंगे आगे से पतला। अगर आप पीछे से उसको धक्का मारोगे तो ऑब्वियसली वो तो फंसेगी, आप खुद आप सोचो, देख सकते हैं आप ये गाइस फुल एकदम परफेक्ट साइज नहीं होता है इसका, थोड़ा सा ये ऊपर से मोटी रहती गाइस साइज, आप देख सकते हैं। तो गाइस इसको प्लीज पतली वाली साइड से आप इसको पुश करें जब भी बाहर निकल पाएगी, और उसके बाद आप इसको कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे पीछे से चाहे आगे से। गाइस आपने पूरी वीडियो देखी ना गाइस, आप समझ गए होंगे गाइस, एक तरफ से उसका सिरा गाइस मोटा होता है और एक तरफ से पतला, जिस कारण आप मोटे वाले सिरे की तरफ से उसको जो बाहर निकालने की कोशिश करते हो उतना ही फंस जाता है। तो गाइस आप पहले ट्राइपॉड की जो सॉकेट है उसमें ढंग देखिए, एक किस तरफ मोटा पिन और किस तरफ पतली तरीके से है। तो गाइस आप पूरी वीडियो में समझ गए होंगे ना, और भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर देना, बाकायदा मुझे लगता नहीं आपको भी दिक्कत होने वाली है अब देखने के बाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना तो प्लीज़ कर लो यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई यार, सपोर्ट करना है आपको मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार वीडियो के साथ।